दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है। ये है मिस्टर, आपका नाम क्या है? जुनैद सैयद। उम्र कितनी है? 39। 39। आप मेरे पास आए थे जनवरी 2022, तो आपको 1 साल और 3 महीने हो गए मेरे पास। मेरे पास आपका इलाज चल रहा है, ठीक है ना? आपको क्या तकलीफ थी शुरू में, क्या मसला शुरू हुआ था आपको? मैं पूरा चेहरे में दर्द था, मेरा ऑपरेशन हुआ है। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? जबान का कैंसर हुआ था। ये कब हुआ है? 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था, और 2019 में आपको तकलीफ हुई और हमारे पास आप 2022 जनवरी में आए। हाँ। यानी 2021, 2 साल आप अच्छे थे क्या? तकलीफ कम नहीं थी? मेरा ऑलरेडी कीमो हो गया हुआ है। कितने कीमो हुए? मेरे 15 कीमो हो गए। 15 कीमो, और रेडिएशन कितने हुए? 35। अच्छा, कीमो, रेडिएशन एंड ऑपरेशन, तीनों हुआ था। हाँ। तो उसके बाद क्या मसला हुआ? उसके बाद मेरे को थोड़ा तकलीफ, गले में तकलीफ थी, जबान में तकलीफ थी, जबान कटी हुई है। यानी ऑपरेट करने के बाद भी काफ़ी तकलीफ थी आपको? हाँ। जबान में भी तकलीफ है वैसी थी। हाँ। और चेहरे में भी दर्द था, और पूरा बॉडी, पूरा चेहरा, पूरी तकलीफ थी। ठीक है, जो कंडीशन मेरे पास आए थे उस टाइम पे क्या तकलीफ थी, दोबारा बताओ। चेहरे में दर्द था, जबान में बहुत तकलीफ थी, खाने पीने भी नहीं आता था, दर्द हुए बगल में दर्द था। अच्छा, तो लेकिन अभी अपने पास समझो तकरीबन 1.25 साल से आप इलाज कर रहे हैं, तो काफ़ी आराम हो गया ना आपको? बहुत आराम। क्या आराम हुआ है? अभी अभी कोई तकलीफ है आपको? अभी मेरे को कोई भी दर्द नहीं है, मैं बात भी अच्छी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत खा भी रहा हूँ। अच्छा, और एकदम नॉर्मल है आप तब? हाँ, नॉर्मल ही है। नहीं तो आपको काफ़ी बेइंतहा तकलीफें थी। सहन में हो पापा। दोस्तों, ये मिस्टर जुनैद सर है, मिस्टर जुनैद पुणे में रहते हैं, ये कोंडवा में। अभी CA टंग का दोस्तों मसला ये होता है कि ऑपरेट, कीमो, रेडिएशन करने के बावजूद भी बहुत मरतबा तकलीफ कम नहीं होती है, और होता यह है कि रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी एक बार ऑपरेट हुआ तो दोबारा जो है वो लीजन आता है, फिर तीसरी बार, कई एक मरतबा ऐसा होता है कि पेशेंट को दो दो तीन तीन चार चार सर्जरी करना पड़ती है। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट में आने के बाद 1.25 साल से इनको रिकरेंस के चांसेस भी जो है ख़त्म हुए हैं काफ़ी हद तक, और इनकी तकलीफें ख़त्म हो गई है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। यूनानी इलाज से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, पेशेंट का पेन ख़त्म करना, पेशेंट को भूख लगना चाहिए, पेशेंट को अच्छी नींद आना चाहिए, और पेशेंट का रोज़मर्रा के काम पेशेंट ने करना चाहिए, ये यूनानी इलाज का एक बहुत बड़ा मकसद है हमारा, जिसे हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा करें। और मिस्टर जुनैद CA टंग है इनको, ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि इनको काफ़ी रिकवरी हुई है। ठीक है, हालांकि अभी इलाज चल रहा है और भी इलाज चलेगा आगे चंद महीने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सुकून में आ चुके हैं। ये जो कंडीशन देख रहे हैं आपकी, ये कंडीशन पहले नहीं थी, ठीक है ना? काफ़ी परेशान थे बेचारे पेन की वजह से। कीमो रेडिएशन सर्जरी से ऑपरेट लीजन तो निकल जाता है दोस्तों, लेकिन बॉडी के अंदर तकलीफें है वैसी रहती है। वो तकलीफें कम करने के लिए यूनानी इलाज अपनाइए, ऐसा मेरा आप सबसे अपील है। और CA टंग का एक बहुत अच्छा रिकवरी होता है, हमारे इलाज में इम्यूनिटी बढ़ती है यूनानी मेडिसिन से, और पेशेंट को जो है जो कीमो रेडिएशन सर्जरी के साइड इफेक्ट्स है उससे भी काफ़ी निजात मिलती है हमारे इलाज में। सही बोल रहा हूँ जुनैद भाई? बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुक्रिया।